Hello girls, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spend a second and subscribe to my channel. आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, इतना अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे वीडियो बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच. सो आज का व्लॉग एंड मॉर्निंग में 6 o'clock स्टार्ट हो गया था. आप देख रहे हो ये बच्चा पूरा गीला हो चुका है क्योंकि आजकल दिल्ली में मानसून आया हुआ है जिसकी वजह से आंधी तूफान किसी भी टाइम आ जाता है. रात को 5 बजे के करीब आई गैस आंधी तूफान आया होगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी मॉर्निंग में. तो मम्मी ने मुझे उठाया, बोला कि बच्चे गीले हो गए होंगे, उनको लेकर के आ जाओ. तो मैं वही लेने के लिए उनको गई थी, उनके साथ में मैं भी गीली हो गई थी और बच्चे भी पूरा गीले हो गए थे, पूरा शेवर कर रहे थे. घर लेके आई, उनको वाइप किया, हल्दी वाला दूध दिया. अभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बट एक को कोल्ड हो चुका है तो उसको मेडिसिन वगैरह मैंने दे दी है. वो शूट नहीं किया क्योंकि हर चीज़ जो की जाती है वो शूट नहीं हो पाती है कई बार. उसके बाद ये आफ्टरनून का टाइम है. इससे पहले मैंने ब्रूज़ो की ड्रेसिंग की थी, आपको पता है उसको डॉग बाइट हुआ है तो उसकी ड्रेसिंग की. अभी आफ्टरनून में 3 बजे करीब मैं गई थी कविता के घर, मेरी फ्रेंड कब्बो के यहाँ, क्योंकि कब्बो और आशा जी दोनों ही घर आए थे अपने ससुराल से. तो बच्चों के लिए कुछ चटपटर लेके गई थी, साथ में मैंने भी आज एक चॉकलेट खाई क्योंकि मेरा बहुत ऐसे ना क्रेविंग हो गई थी देख करके कि मेरे को भी खानी है. तो मुझे किटकैट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वो भी खा ली थी. घर आते हुए कविता के घर लंच किया, लंच करने के बाद उसकी शादी की वीडियो देखी. घर आते हुए मैं कुछ स्टेशनरी की शॉप से सामान लिया क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी. तो इस करके घर आई तो पता चला कि ब्रूज़ो की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत अनईजी फील कर रहा है. तो मम्मी ने उसको एसी ऑन करके रूम में लिटा दिया था बेड पर ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे. ब्रूज़ो हमारे घर में सबसे पैम्परिंग वाला जो बच्चा होता है ना, ब्रूज़ो और बिट्टू दोनों ही ऐसे हैं, मतलब अगर इसको थोड़ी एक छींक भी आ जाएगी ना तो इसको ऐसा हो जाता है कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ और मुझे ही अटेंशन चाहिए, मुझे ही सब कुछ चाहिए, मेरे अलावा कोई किसी से बात नहीं करेगा. मतलब अगर मैं किसी और बच्चे से बात कर लूँ घर में तो इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है घर के अंदर कि आपने उससे बात कैसे करी, मैं बीमार हूँ मुझे देखो. तो ये थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का है और इसको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन शेकिंग होते ना बच्चे, उस तरीके का है. और ये इवनिंग का टाइम है, मैं आपको वेदर दिखा रही थी. हमारे घर से वेदर कितना ज़्यादा सुंदर लगता है. ये घर के सामने ही एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर हम बच्चों को प्ले कराने के लिए लेके जाते हैं, उनके जो नेचर स्कॉल होती है उनको कराने निकले उसको वहाँ पर लेके जाते हैं. हमारी कॉलोनी के सारे बच्चे वहीं पर करने के लिए, मतलब वहीं प्ले करने के लिए, वहीं पे मोशंस करने के लिए जाते हैं. तो इसके बाद 1-1.5 घंटा घुमाने के बाद सबको मैं दो दो के पेयर में लेकर जाती हूँ क्योंकि 6-7 बच्चे हैं, एक खुला जाता है और दो के पेयर में मैं ऐसे टाई अप करके लेके जाती हूँ ताकि बच्चों की भी प्रॉब्लम ना हो और जो आसपास के लोग हैं जो वहाँ वॉक करने के लिए आते हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो. घर आके इनकी मैंने ट्रीट दी इनको. ये ट्रीट में हम कोई भी पैकेट फूड नहीं देते, खीरा हो गया, आम हो गया, या जो भी वेजिटेबल्स होती हैं ना ये बहुत प्यार से खाते हैं. तो मैंने इनको वो दी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं, मैंने अपना इवनिंग स्नैक्स जो होता है वो लिया था. ये नटखट आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. आज बहुत ऐसे ऊट पटांग वाली चीज़ें खा ली है मैंने पूरे दिन में. और इवनिंग में दीदी घर आई तो ये 7:30 बजे का टाइम है. दीदी अपने लिए कुछ कपड़े लेके आई थी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें दीदी को बनानी होंगी अपने लिए. तो अगर घर में कोई सामान आ रहा है तो इन लोगों के लिए ज़रूर आना चाहिए. अगर इनके लिए कोई सामान नहीं आता है तो ये हंगामा कर देते हैं, कोई भी चीज़ मिलेगी उसको आंधी तूफान की तरह फाड़ देंगे लेकर के. तो जो भी चीज़ हमारे घर में आती है पहले इनके ऊपर हम चढ़ावा करते हैं, लाइक जैसे होता है ना कि घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसको पहले दे दो उसके बाद में अपनी चीज़ें करो. तो दीदी ने इनके गले में, वो सूट का कपड़ा था आई गेस, तो दीदी ने इनके गले में वो ऐसे टाइप कर दिया जैसे मफलर टाइप करते हैं. उसके बाद में 1 घंटा भाई इन्होंने उसके साथ प्ले किया है. अगर इनकी और एक्टिविटी आपको देखनी है ना तो मुझे कमेंट डाउन करके बताना, मैं आपको ना इनकी सारी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर व्लॉग इनके ऊपर बनाऊंगी जिसमें मैं इनकी सारी एक्टिविटी दिखाऊंगी. जो आप देखते हैं वो मुश्किल से 30 या 40% चीज़ें होती है पूरे दिन की जो आप इनके लिए जो मैं व्लॉग में इंक्लूड करती हूँ. अदरवाइज करते तो इतनी ज़्यादा नौटंकी हैं ये कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितना नौटंकी बाज बच्चे हो चुके हैं. हमारे घर के जो पपी हैं वो बहुत ज़्यादा नौटंकी आवाज हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है उनकी सारी जो ज़िद वो करते हैं, जो भी उनको चाहिए रहता है तो वो उनको मिल जाता है टाइम टू टाइम और उनकी ज़िद पूरी की जाती है. तो इस वजह से वो थोड़े से ऐसे ज़िद्दी और नौटंकी वाले बच्चे हो चुके हैं. बट इसके साथ में है कि ठीक है बातें भी मान लेते हैं बट अपनी ज़िद होती है उस टाइम पर वो ज़िद भी कर लेते हैं, तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है. ये इवनिंग का टाइम है,
8 बज गए थे यहाँ पे, और मैं इवनिंग में आई थी अपने रूम में काम करने के लिए, क्योंकि इस रूम में सिर्फ काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, या जो होता है ना चीज़ें जो मुझे इन फ्यूचर करनी है उनको प्लान आउट करने के लिए आती हूँ, तो मैं यहीं बैठती हूँ। और अभी मैंने रिनोवेशन किया है, रूम डेकोरेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा आता है मुझे बैठने में, मतलब मुझे बहुत मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये वाला प्लेस। यहाँ पर एडिटिंग करना हो गया या स्टडी करना हो गया, स्टडी की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें थोड़ा सा पर्सनल है, जो जो भी चीज़ें मैं भी पढ़ रही हूँ या जो भी चीज़ें जो मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ रही हूँ अभी भी थोड़ी बहुत, तो वो जब हो जाएगी ना चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें करती थी, क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा पर्सनल होती हैं, वो शायद मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट अभी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल ऑन दैट लेवल की सारी चीज़ें यहाँ पर आकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक होता है ना कि एक प्लेस होता है, एक आप जब एक पोजिशन पर एक प्लेस से पहुँच जाते हो उसके बाद में कोई भी कमिटमेंट, कोई भी जो चीज़ें होती हैं ना बोली जाती हैं, या फिर कोई भी जो स्टेप होता है स्ट्रॉन्ग स्टेप आप लेना चाहते हो तो एक पोजीशन में पहुँचने के बाद आपको लेना चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट पोजीशन कि मैं वो अचीव कर लूँ, वो गोल मेरा अचीव हो जाए, उसके बाद में ज़रूर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। बट अभी जितना हो रहा है, जितना हो पाता है मुझसे, मैं उतना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी एडिटिंग कम्प्लीट कर दी थी, इसके बाद में मैंने कैमरे का बैग था जो मैं ऑल्टरनेट डेज में क्लीन आउट करती हूँ क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह चला जाता है, इस करके मैंने वो क्लीन आउट किया। और उसके बाद में मॉर्निंग में आपको पता ही है कि सुबह सुबह आंधी वगैरह आई थी तो रूम में ना थोड़ा सा डस्ट कलेक्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है और ये ही क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम अभी नहीं था। खाना बनाने के लिए मुझे 9 बजे करीब नीचे जाना था, तो मेरे पास 1.5 घंटा था जिसमें मैं अपना काम कर सकती थी और सारी चीज़ें ना असेंबल कर सकती थी, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी ऊपर आते हैं और बच्चे आकर ना ऐसे उद्दंडी बच्चे होते हैं ना, वो हैं इतना आतंक मचाते हैं ना रूम में आके, जहाँ मेरा मैं जाऊँगी वहाँ आसपास आके उनको वहीं खेलना है जहाँ पे मैंने बैठना है, उनको वहीं पे सोना है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, या मेरी फैमिली में कोई भी, मतलब उनको ना ह्यूमन टच चाहिए होता है अपने साथ में कि कोई ना कोई आसपास होना चाहिए। और मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर मैं नहीं दिख रही हूँ या मैं घर के अंदर हूँ तो कहाँ हूँ मैं, जहाँ मैं जाऊँगी उनको वहीं जाना होता है, तो रूम में आके ना सब कुछ ख़राब कर देते हैं वो लोग आके, फिर मुझे दोबारा से सेट करना पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी क्योंकि यहाँ पे डुग्गू था जो आपने देखा, ब्लैक वन जो बेबी है वो यहाँ पे सो रहा था, तो उसकी वजह से ना उनके हेयर फॉल होता है, इस टाइम पे उनका हेयर फॉल होता है। आप कितनी मेडिसिन दे दो, कितने भी ट्रीटमेंट करा दो, बट डॉग्स को जो हेयर फॉल होता है वो होता है, इन दिनों में तो ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा से बाल लग गए थे उसके, तो मैं वो क्लीन आउट किया। उसके बाद में हल्का फुल्का जो डस्ट था मैंने वो क्लीन आउट किया, तो यही सारी चीज़ें करी थी। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक प्लांट था उस वो पानी देना ना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसमें पानी दिया था और कल जब मैं आई थी रूम के अंदर तो मैं पानी देना बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गया कि इनको पानी भी देना होता है। और ये मैं आपको ना अपने बच्चों के प्ले वो दिखा रही थी जो टॉयज़ वगैरह होते हैं जिसमें आवाज़ आती है, सीटी लगी रहती है, पी पी करके आवाज़ आती है, वो वाला टॉयज़ के साथ ये बहुत बहुत खुश होकर प्ले करते हैं, तो मैंने वो अपने रूम में रखे हुए, मतलब मेरे घर के हर कोने में आपको वो वाले टॉयज़ मिल जाएंगे, क्योंकि वो टॉयज़ ना इन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके साथ बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। और हमारा ना थोड़ा सा सर दर्द कम हो जाता है कि जब ये टॉयज़ के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो घर की चीज़ें ख़राब नहीं कर रहे होते, क्योंकि होता है क्या है जब आपके घर में एक बच्चा होता है या एक पपी होता है तो वो शैतानियाँ कम करता है, जब उनकी टीम बन जाती है ना और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है बच्चों के घर के अंदर, तो वो मिलके ना ऐसे उद्दंड मचाते हैं ना कि घर में तबाही मचा दे। इनको हम कभी अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको इनको क्या है, जब इनको गुस्सा आता है या इनको एंजाइटी होती है ना, अकेले हमने कभी इनको छोड़ा नहीं है, तो कभी अगर हम इनको अकेले छोड़ देते हैं ना भाई, इनको जो मिल जाता है वो चबाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। मतलब हमारे घर में आपको एक भी सोफे पे कुशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में ये बच्चे हैं कुशन रहने नहीं देते। मेरे जितने भी सॉफ्ट टॉय थे, मैंने सालों से मेरा सॉफ्ट टॉय का बहुत बड़ा कलेक्शन था, मेरे हर बर्थडे पर कितने सॉफ्ट टॉय मुझे गिफ्ट में मिलते थे, बट इन बच्चों की वजह से अभी मेरे पास सारे के सारे हैं जो वो अंदर रखे हुए मैंने हाइड करके कि ये लोग ख़राब कर देते हैं। तो लोगों यहाँ पर
हो गया है ऑलमोस्ट काम ख़त्म। अब मैं नीचे वाले फ्लोर पे जाऊंगी, खाना पीना बनाएंगे। शायद मम्मी ने आज खाना बना दिया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी काम करते हुए। तो अब इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ में। आई होप ये वीडियो एंड व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ में। ओके बाय।